हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको ई श्रम कार्ड के बारे में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि इस समय ई श्रम कार्ड बहुत ज्यादा चर्चे में है और जिस व्यक्ति ने भी ई श्रम कार्ड बनवाया है उनके खाते में पैसे भी आ चुके हैं। किसी के खाते में 500 रुपए आए हैं, किसी खाते में 1000 एंड किसी खाते में 2000 रुपए आए हैं। तो मैंने सोचा भाई आपको भी ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय सब कुछ बताया है कि आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करते हो तो भाई आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फॉर्म भरने में। तो इसलिए मैंने भाई इस वीडियो स्किप नहीं करना है आपको। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एनी मोर वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उसमें सर्च करना है ई श्रम कार्ड अप्लाई। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको सेकंड वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। एंड इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको स्क्रॉल करोगे तो रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा एंड यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो भी आपके लिंक है नंबर उसको आप लोग यहाँ पर डालना है। अगर आपको नहीं पता आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। एंड आप पूछोगे कि भाई हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम ई श्रम कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मैं उसका सोल्यूशन दोस्तों वीडियो के आगे बताऊंगा, बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा फिल करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, फिंगरप्रिंट, आयरिस एंड ओटीपी। आपको फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप इससे ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो दोस्तों आप इससे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कैफे पर जाकर 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और मेरा मानना तो यह है कि आप अपने आधार कार्ड में यार नंबर लिंक कराएं। अगर आपको नंबर लिंक नहीं करना आता तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एंड उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। आप जैसे यहाँ पर नंबर डालते हैं अपना एंड नीचे आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा और नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो जो भी आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा एंड ओटीपी आते ही आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। मेरे आधार कार्ड में ओटीपी आ चुका है, मैंने डाल भी दिया, अब वैलिडेट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करूँगा आपका फॉर्म का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपकी आधार कार्ड से जो सारी डिटेल पहले ही ले ली जाती हैं, आपको यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना, बस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, इसे टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही यहाँ पर आ जाएगा एंड इमरजेंसी नंबर आपके पास है एक्स्ट्रा तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं ब्लैंक। नीचे आपको ईमेल आईडी फिल करनी होगी एंड उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मैरिट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फादर नेम डालने का या हस्बैंड नेम डालने का, हम यहाँ पर हस्बैंड नेम डालेंगे, आप फादर नेम भी डाल सकते हैं जो भी आपका मन हो। एंड हस्बैंड नेम पर क्लिक करके आप यहाँ पर हस्बैंड नेम फिल करोगे। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा सोशल कैटेगरी, इस पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। एंड नीचे आपको ब्लड ग्रुप पर क्लिक करके अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको पता है तो आप इसे फिल कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए हम नीचे करते हैं एंड यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी होगी जिसे भी आप बनाना चाहते हो। यहाँ पर नॉमिनी का नाम आपको डालना है एंड नॉमिनी का नाम डालने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका क्या रिलेशन है नॉमिनी से, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जितने भी रिलेशन आएंगे, इसमें जो सा भी रिलेशन हो आप उसे सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा स्टेट, स्टेट पर सेलेक्ट करके आप जो जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना एंड नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना एंड स्टेट स्पेसिफिक आईडी को छोड़ देना, इसे ब्लैंक रहने देना। एंड नीचे दिखा देगा करंट एड्रेस, आप इस समय कहाँ रह रहे हो, कहने का मतलब अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन पर क्लिक करना एंड अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल पर ही क्लिक रहने देना। उसके बाद आपको हाउस नंबर डालना है, अगर आपको अपना हाउस नंबर नहीं पता तो आप अपने आधार कार्ड में चेक करके डाल सकते हो। एंड नीचे आपको लोकेलिटी दिखाई देगा,
लोकेलिटी में आपको अपने मोहल्ले का जो भी फेमस इलाका हो उसे डाल देना। नीचे आपको फिर स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद आप नीचे करोगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना एंड नीचे तहसील सेलेक्ट कर लेनी है एंड नीचे आप देखोगे पिन कोड। पिन कोड आप अपनी आधार कार्ड में से देख के डाल सकते हो। फिर आपको नीचे मिलेगा स्टेइंग एट करंट लोकेशन, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर चूज करना है आप कितने सालों से उस जगह पर रह रहे हो। यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, 10 साल, 20 साल, जितने भी सालों से आप रह रहे हो उस पर टिक कर देना एंड टिक के ऑप्शन पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर अपनी आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालोगे जितना भी आप पढ़े हुए हो। आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जितने भी पढ़े हुए हो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, 10वीं या 12वीं या आप ग्रेजुएशन कर रखी है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए अनपढ़ हो तो यहाँ पर नोट लिटरेट पर क्लिक कर देना एंड आप जितने भी पढ़े हुए हो उसका सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो एंड अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे छोड़ देना। नीचे आपको दिख रहा होगा मंथली इनकम, इस पर क्लिक करके आप अपनी इनकम सेलेक्ट करोगे जितना भी आप कमाते हो। यहाँ पर 10,000, 20,000 जितने भी आप कमाते हो उसे सेलेक्ट कर लेना। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट भी आप डाल सकते हो। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे छोड़ देना एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑक्यूपेशन स्किल, मतलब आप काम क्या करते हो। तो नीचे आपको दिखेगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यहाँ पर बस आपको सर्च करना है। मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है, चलिए मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आपको अपना ऑक्यूपेशन कैसे ढूंढना है। यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ, बैक कर लेता हूँ बिल्कुल। उसके बाद जो भी आप काम करते हो, दुकान है, ठेली है, जो भी आप काम करते हो उसके नाम से रिलेटेड सर्च करना है एंड जो भी आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे एंड उसमें आप जो भी काम करते हो तो उसे देख लेना। अगर वो सही है काम तो उस पर टिक कर देना एंड सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी। तो नीचे आपको पूछा जा रहा है नीचे वाले ऑप्शन में वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब जो आप काम करते हो उसका आपको एक्सपीरियंस कितना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके उसे भी बताएंगे। आप यहाँ पर जितना भी साल का एक्सपीरियंस है आप टिक कर देना। टिक करने के बाद आपके नीचे ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा सेक्रेटरी ऑक्यूपेशन, इसे हम छोड़ देंगे, ज़्यादा जरूरी नहीं है ये ऑप्शन। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्वायर्ड स्किल, आप इस पर क्लिक करोगे। आपने अपने जो भी काम सीखा है उसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग लिया तो फर्स्ट पर क्लिक करना एंड वोकेशनल स्किल सीखी है तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सभी स्किल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसे चूज़ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। आप भी छोड़ सकते हैं या आपका मन हो तो आप भर देना। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा स्किल टू बी अपग्रेड, आप अपनी स्किल कैसे अपग्रेड करना चाहते हो, ट्रेनिंग लेके या वोकेशनल तरीके से। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपका बैंक डिटेल डालने का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं सरकार की तरफ से उस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। फर्स्ट में आप बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे जो भी आपके खाते का नंबर हो, नीचे उसे कन्फर्म करेंगे, फिर उसके अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे एंड नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे अपनी पासबुक में देखकर। पासबुक के देखकर आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करने के बाद जो भी आपने सारी डिटेल भरी है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी एंड आप इसे प्रिंट कर सकते हैं पेज को। आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर इनमें कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं आपसे तो आप सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा एंड अगर सारी डिटेल सही हैं तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। चलिए हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एंड ई श्रम कार्ड बन भी चुका है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है, अगर नहीं है तो इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना। सिर्फ आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ई श्रम कार्ड भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड भाई अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी एंड सब्सक्राइब नहीं करा चैनल तो यार सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूंगा एंड वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बी गेटिंग मेगा।